स्पीड जिंदगी का सत्य है। कई लोग क्या गलती कर रहे हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप में से कई सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं और जिंदगी में इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती, वो है स्पीड पे फोकस नहीं करते। स्पीड होती है बेटा एक अवसर, कि जब मौका था, वक्त था, तब आपने क्यों नहीं किया। आपको जो सिलेबस है, जो एग्जाम का टाइम है, तब अब तक पूरा करना है, आपको तेजी से पढ़ना है, आपके पास अनंत काल तक समय नहीं है पीएमटी देने के लिए, कि नीट देने के लिए हमने पूरा जीवन ही लगा दिया कि हम नारा एक अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, छह अटेम्प्ट, आठ अटेम्प्ट, ऐसे नीट नहीं निकलेगा बेटा। नीट निकलने के लिए कुछ महीने काफी है, आप जो है वो यदि आप कुछ सर्टेन मंथ भी ढंग से पढ़ते हैं ना, वो काफी है, ठीक है ना। जो बच्चे फर्स्ट जून से पढ़ते जा रहे हैं, लगातार प्रतिबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे, 100% एग्जाम निकलेगा, 100% एग्जाम निकलेगा, बस आपकी प्रयास में कमी नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ना, जीवन में सफलता का नियम हमको एंजाइम बतलाता है, फिजिक्स बतलाती है, कैपेबिलिटी, डायरेक्शन एंड स्पीड। लिख लीजिए, कैपेबिलिटी, डायरेक्शन, स्पीड। डायरेक्शन लेस नहीं होना कभी भी, अपनी कैपेबिलिटी को हायर साइड बनाए रखना, बेहतर देने की कोशिश करना और दिए गए समय पे काम करना। जब हर वीक में टेस्ट होते हैं तो बच्चे बोलते हैं, अरे सर ये कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये हमारा, ये हम रिपीट नहीं कर पाए, ये रिवाइज नहीं कर पाए। नहीं, आपको, आपकी मजबूरी है, आपको स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको, आप एक धीमी गति से मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप चलते रहेंगे, लेकिन मंजिल तो कॉम्पिटिशन है ना बेटा, प्रतियोगिता है। तो अपने आप को सही दिशा में, मतलब जितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़िए, मेहनत करना है मेहनत की जिसको, लेकिन वो एक हर दिन हमें आगे बढ़ना है, हर दिन हमें आगे बढ़ना है और दूसरे से ज्यादा बढ़ना है, यही तो कंपटीशन का नियम है, ठीक है। चलिए।